बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गया है अंडर वाटर जू का सेकंड पार्ट, जिसका था आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार। तो चलिए, आप लोगों का इंतज़ार करते हैं ख़त्म और चलते हैं पेंगुइन केव में। तो ये इस तरह जो है ना ट्रांसपेरेंट शुरू में बनाया हुआ था कि आप नीचे से भी फिशेज देख सकते हैं, और अंदर जाते साथ ही हमें हल्की सी ठंड महसूस हुई थी। उसके बाद जो है हमारी साइट पे पेंगुइन का तमाम उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई थी, कितनी टाइप्स की पेंगुइन्स होती हैं, उनके नाम वगैरह हर चीज़ लिखी हुई थी। तो चलिए अब देखते हैं पेंगुइन, क्योंकि हम तो बहुत ही एक्साइटेड थे पेंगुइन देखने के लिए और बच्चे तो बहुत ज़्यादा थे। तो चलिए देखते हैं, ये रही पेंगुइन्स और ये देखें कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही हैं। और बड़ा हमने इनको देख के इंजॉय करा, बर्फ़ में बैठी हुई थी। हम लोग तो खैर इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये क्योंकि ये ठंडे इलाके में ही रहती हैं, तो ये इसलिए इनका काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है वो रखा हुआ था इनको। और हम लोगों ने तो खैर बहुत इंजॉय करा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे जब हम लोग चले तो उन्होंने एक इस तरह का लैब टाइप समझ लें कुछ बनाया हुआ था रूम सा, उसमें इन्होंने जो है क्या कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई थी, जैसे इन लैग जहाँ पे जो है वो एग्स थे और शार्क के एग्स थे, शार्क के बेबीज थे, और लाइव ट्री थी जो कि लाइव थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखें ये शार्क के हैं एग्स जो हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, तो जो जो याद है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी। ये देखें, मैंने इसलिए कैप्चर कर लिया था सारी चीज़ें क्योंकि मुझे पता था मैं भूल जाऊंगी। ये देखें, ये शार्क की छोटी छोटी सी बेबीज़ हैं। इन लोगों ने मतलब यहाँ पे जो है ये अलग से इन लोगों को करा हुआ है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की परमिशन नहीं थी। हर चीज़ पर उन्होंने मैंशन करा हुआ था। हमारे साथ एक गाइड थी जो कि हमें बाकायदा बता रही थी। ये देखें, ये है, ये वो ट्रीज़ हैं जो कि सी में होते हैं और ये लाइव हैं, ये ज़िंदा हैं। और ये देखें, ये ब्रीथेबल हैं, ये देखें ये सांस ले रहे हैं। बिल्कुल उसने हमें बताया था कि ये इस तरह जो है ये ब्रीथ कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए तो ये खैर ये बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर यहाँ का विज़िट करिएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उतरे थे डाउनस्टेयर, तो वहाँ पे जो है फिश को जो है वो हम लोगों ने खाना खिलाया था, बच्चों को दिया था उन्होंने। तो फिर बच्चों ने उस चीज़ को भी बहुत इंजॉय करा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था फिशेस को जो है वो फूड देने का। ये सब पूरा पैकेज हमारे टिकट में इंक्लूड था। दो तीन टाइप के टिकट्स होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी पैकेज लेना चाहें आप ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और ये देखें बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे दोबारा से ऊपर। फिर हम लोग जैसे पेंगुइन केव से बाहर निकले तो हमें दिखे टर्टल्स, बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे से थे। बहुत इन लोगों को देख के इंजॉय करा। और इससे थोड़ा सा हम लोग आ गए थे तो हमें टर्टल्स की एक और टाइप हमें देखने को मिली। ये थे वाइट टर्टल्स, इन लोगों को देखे थोड़ा सा चेंज हैं, ये वाइट कलर के थे और क्या कहते हैं थोड़ा सा चेंज थे ये। उसके बाद हम लोगों ने जो अपने राइट साइड पर देखा तो ये देखें, ये फ्रॉक था, ये जो ना वो इस तरह ग्लास पर चिपका हुआ था। अच्छा, ये फ्रॉक की एक और किस्म थी, ये हमें फ़र्स्ट टाइम पता चला था। ये जो फ्रॉक्स थे ये अपना जो है वो कलर चेंज करते हैं। देखें आप लोगों को शायद दिख रहा हो, ये देखें ये ग्रीन कलर का, ये पत्ते पर बैठा था तो ये ग्रीन कलर का हो गया, और जो बाकी जो रॉक्स वगैरह पे थे वो उसी कलर के थे। आप लोगों को शायद दिख रहा हो, क्योंकि हमें भी काफ़ी देर में समझ में आया कि ये है क्या, और जिस कलर जहाँ पे जिस कलर पे लो उनका कलर उस टाइप चेंज हो जाता है। ये देखें थोड़ा सा आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, हमने कोशिश बड़ी करी शायद ये पत्ते पर आ जाए, लीफ पर आ जाए तो हम इसका कलर कुछ कर सकें, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। ये पूरी डिटेल उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये रिजा की देखें, ये एक फिश था, फिश एक्वेरियम था, तो उसमें जो है ना उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ था।
तो ये उसके अंदर चली गई थी, नीचे से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था कि आप लोगों को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कि आप पानी में खड़े हुए हैं। ये देखें, ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी है। बच्चों ने बहुत इंजॉय करा इस विज़िट को हमारे, हम लोगों ने भी करा, सबके लिए था, बच्चों बड़ों सबके लिए था, बहुत इंजॉय मोमेंट था हमारा। खैर सेकेंड विजिट था, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम लोगों ने अब एक्सप्लोर करी थी, पहले नहीं करी थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चले तो हमें ये देखें, इन्होंने ऊपर जो है ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा और आगे चले थे तो इन्होंने ये इस तरह का एक बनाया हुआ था ओपन टाइप का, इसमें पानी आ रहा था और जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। और ये थे सी हॉर्स, देखें ये बहुत ही छोटे छोटे से थे और ये ऊपर का व्यू है, ये बहुत हम लोग मतलब हर चीज़ कोशिश करी थी कि कैप्चर कर सकूँ, आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। ये थी स्टार फिश और ये बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर चीज़ को बस आप देख के यही कहेंगे अल्लाह मियाँ की तारीफ ही आपके मुँह से निकलेगी कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने देखें कितनी, जिसे कहते ना बस अल्लाह के सिवा कोई भी परफेक्ट नहीं है, वो वाली बात थी। और बेइंतहा हर चीज़ हमें खूबसूरत लगी, बेइंतहा। ये देखें एक ये स्टार फिश थी और ये देखें ऊपर, फिर उन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ था हर चीज़ को देख के कि ऐसे छोटे छोटे से कोरियम से उन्होंने बनाए हुए थे। इसमें देखें जेली फिश थी, ये रेड कलर की है और ये सुना जो है ये स्क्रोल कर रही थी, मैंने देखा फर्स्ट टाइम देखी है जेली फिश, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत हर चीज़ किसी कह रहे हैं तारीफ़ कम है। और ये आ गए हैं नीमो के सारे करेक्टर्स, इनको देख कर हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। नीमो के इसमें नीमो थी, डोरी थी। अच्छा ये देखें ये लेडी जो मैं आपको बताई थी, देखें क्लीनिंग कर रही थी ये पानी में, तो हम लोग को बड़ी हैरत हुई इन्हें देख के कि जो है इतनी देर पानी में रहना और सफाई करना। हम लोग एक पूरा राउंड लगा चुके थे, उसके बाद वापस आए तो ये अभी तक वहीं खड़ी हुई है सफाई कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं क्लीनिंग का निज़ाम जो है इन लोगों का कितना अच्छा से है। और उसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा और आगे चले तो हमें यहाँ पे दिखा क्रोकोडाइल, ये ऐसा बाहर भी है, आपको एक्वेरियम के बाहर भी दिखेगा मॉल में। और यहाँ पे जो है भी हम, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये फिश यहाँ पे, और बच्चे जो है पिक्चर्स क्लिक करने में लगे हुए थे। और से बस थोड़ा सा आगे आए तो जो है वो यहाँ पे दिखेंगे रियल लाइव जो है वो क्रोकोडाइल, और ये इतने बड़े बड़े थे, ये देखें ये बहुत ही बड़े बड़े थे। अभी हम मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगी, पर इन्होंने बनाई हुई है जगह और बहुत जैसे कहते हैं ना ड्रोने से थे। ये दो थे, कपल है ये, एक का नाम किंग है और एक क्वीन है, और ये बहुत ही ड्रोने थे। और वो थे इनके एग्स, साथ में उन्होंने मतलब पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन लगाई हुई थी, एग्स मतलब ही लाइव नहीं, उन्होंने बना के लगाया हुआ था। अब देखें ऊपर गए हैं तो उन्होंने ये जो है क्रोकोडाइल का पूरी उन्होंने डिटेल लिखी हुई थी। और यहाँ पे जो है हमें तोते वगैरह भी दिखे थे, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखें ये ऊपर से व्यू है इनका और ये इतने बड़े लग रहे हैं, मैं तो एक लम्हे को डर गई थी कि जिस ग्लास में खड़ी हूँ ये ग्लास फ्लोर था। ये देखें अगर ये ग्लास फ्लोर टूट गया और मैं नीचे गिर गई तो फिर मेरे साथ ये क्रोकोडाइल्स क्या करें तो मैंने इसे दोबारा चलने की इसके ऊपर कोशिश ही नहीं करी। वैसे तो खैर काफ़ी मजबूत था, लेकिन डर का क्या करें, फिर डर तो जाते हैं, लेकिन ये बहुत डर रहे थे। और जो है उसके बाद फिर हम लोग जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा और आगे चले, एक फ्लोर और था ऊपर, वो था सारा जो है उधर तोते वगैरह थे, नाइट एनिमल्स थे, इंसेक्ट जिसे कहें, वो भी आप आगे देखिएगा। Thank you.
ये देखिए यहाँ हम लोग जा रहे थे क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था और हमें जो है फ्लैश लाइट ऑन करने की परमिशन नहीं थी। बाहर उन्होंने लिख के लगाया हुआ था क्योंकि सारे जितने भी ये इंसेक्ट्स थे ये सब जो है ये रात में अंधेरे में ही रहते हैं। बस उन्होंने हल्की सी डिम लाइट अंदर लगाई हुई थी रेड कलर की ताकि जो है वो हम लोगों को पता चलता रहे। और ये जो है क्या कहते हैं रिजा थोड़ी डर रही थी लेकिन चले कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा और डराया था हल्के हल्के चल के ना। और जो है वो बहुत मज़ा आया था हम लोगों को यहाँ पे भी, मतलब नई एक चीज़ एक्सप्लोर करने को मिली थी हमें। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट का थोड़ा सा इशू था। तो चलिए वीडियो आगे एंजॉय करें। उसके बाद जो है इन्होंने बनाया हुआ था ये एक पुल टाइप का, ब्रिज टाइप का, और इसके ऊपर से हम लोग चलते थे तो साइड्स में इधर भी ऑस्ट्रेलियन पैरेट थे और इधर भी ऑस्ट्रेलियन पैरेट थे। और जो है क्या कहते हैं बहुत जैसे हम लोगों ने ना एंजॉय करा था इस चीज़ इसको भी। और इन्होंने लिख के लगाया था ऊपर बहुत बड़ी सी इन्होंने नेट्स लगाई हुई थी और नेट को हाथ नहीं लगाना था, बस यहाँ तक था कि तोते जो है वो हमारे साइड पर ना आए। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू था। ये देखें ये है एक ऑस्ट्रेलियन तोता। अच्छा आप लोग इसका पिक्चर भी खिंचवा सकते हैं। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो वो जो है वो तोते लेके चला गया था तो इसलिए हम लोगों ने इनके साथ पिक्चर नहीं खिंचवाई, नहीं तो मेरा तो बहुत दिल था। और ये बहुत शोर कर रहे थे लेकिन जो है बेइंतहा खूबसूरत थे ये भी। उसके बाद फिर हम लोग निकले थे दूसरी साइड पे भी, ये सारा ऊपर जो है वो नाइट का ही था जहाँ पे नाइट इंसेक्ट्स थे। ये देखें ये है बिच्छू, इसकी पूरी डिटेल थी यहाँ पे थी, ये चमगादड़ें और ये देखें छोटी छोटी सी, और ये बहुत डरावनी लग रही थी। थोड़ा तो नहीं खैर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, ये जहाँ पे हम लोग चल रहे थे वहाँ पे अंधेरा था। ये देखें एक ये था, उसके बाद बस फिर वहाँ से एग्ज़िट था। अगर आप लोगों को अंदर एक दफ़ा बाहर निकल गए तो फिर आप वापस अंदर नहीं आ सकते, तो अगर आप लोगों को दो तीन दफ़ा देखना है तो आप बार बार चक्कर लगा के देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग बाहर के साइड पर निकलते हैं तो आपको एक गिफ्ट शॉप मिलती है जहाँ से जो है आप लोग गिफ्ट्स परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें कुछ इतना हमें कुछ खास लगा नहीं क्योंकि बच्चे पढ़े हैं तो ये लोग इतना टॉय वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं, तो कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ एक हफ्ता ने किचन ली थी और बस बाकी बच्चों के टॉयज थे तो वो हम लोगों ने इसलिए नहीं लिए, लेकिन शॉप बहुत अच्छी थी, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ पर एक डॉल थी वो बहुत खूबसूरत थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। ये देखें मक्स वगैरह हर टाइप के मतलब यहाँ पे चीज़ें थीं। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी दुबई इंटर ज़ू की वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ ऐसी आप लोग देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टेक जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।